उत्तर प्रदेश में एनडीए गठबंधन रोकने के लिए आपकी क्या रणनीति है? सॉरी, क्या? उत्तर प्रदेश में एनडीए गठबंधन को रोकने के लिए आपकी क्या रणनीति है, आप दोनों लोगों की? उत्तर प्रदेश में नेशनल लेवल पे मैं आपको अपना हमारा फाउंडेशन बता देता हूं और वही आइडियाज हम उत्तर प्रदेश में भी चलाएंगे। देखिए, पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी करके, गलत जीएसटी लागू करके, और जो बड़े बड़े अरबपति हैं, अदानी जी हैं, उनका पूरा सपोर्ट करके जो रोजगार पैदा करने का सिस्टम था उसको उन्होंने कंप्लीटली खत्म कर दिया है। तो सबसे पहला काम जो रोजगार हिंदुस्तान के युवाओं को मिलना चाहिए उसको एक बार फिर स्ट्रेंथन करने का है। उसके लिए हमने अपने मैनिफेस्टो में 2-3 आइडियाज दिए हैं। एक आइडिया रेवोल्यूशनरी आइडिया है, राइट टू अप्रेंटिसशिप। तो जो अमीर घर के बच्चे होते हैं वो अप्रेंटिसशिप करते हैं, ट्रेनिंग मिलती है, पेड ट्रेनिंग होती है। तो हमने डिसाइड किया है कि हिंदुस्तान के, उत्तर प्रदेश के सब ग्रेजुएट्स को, डिप्लोमा होल्डर्स को हम अप्रेंटिसशिप का अधिकार देंगे। जो भी अप्रेंटिसशिप करना चाहेगा उसको प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, सरकार में अधिकार मिलेगा, अप्रेंटिसशिप का अधिकार मिलेगा, ट्रेनिंग होगी और 1,00,000 रुपए साल का, 8,500 रुपए महीने का उस युवा के बैंक अकाउंट में हम डालेंगे। और ये करोड़ों युवाओं के लिए हम अधिकार दे रहे हैं। इससे एक ट्रेन्ड मैन पावर तैयार होगा, प्राइवेट कंपनीज को भी इसका फायदा होगा, सरकार को भी इसका फायदा होगा, और एक प्रकार से युवाओं के लिए ये एक जॉब मार्केट में एंट्री का सिस्टम हो जाएगा। दूसरी चीज, 30 लाख सरकारी रोजगार हैं जो नरेंद्र मोदी भर नहीं रहे हैं, वो वैकेंसीज हम युवाओं को देने जा रहे हैं। पेपर लीक की बात हुई है, उसके लिए हमने हम कानून बनाएंगे, उसको हम खत्म कर देंगे। तो ये बात हुई युवाओं की। एक और हमारा आइडिया, क्रांतिकारी आइडिया, और ये उत्तर प्रदेश की महिलाओं को बहुत फायदा मिलेगा इससे। हर गरीब परिवार की हम लिस्ट बनाएंगे और हर गरीब परिवार में से हम एक महिला को चुनेंगे और उसके बैंक अकाउंट में महीने के 8,500 रुपए, साल के 1,00,000 रुपए सरकार हर महीने बैंक अकाउंट में डालने जा रही है। किसानों की बात, किसान सिर्फ 2 चीजें मांग रहा है, नरेंद्र मोदी से 10 साल मांगा, हमें सही दाम दिलवा दीजिए। और जैसे आपने 16,00,000 करोड़ रुपए, मतलब 24 साल का मनरेगा आपने अदानी जैसे लोगों का माफ किया, वैसा ही आप हमारा भी माफ कर दीजिए। और नरेंद्र मोदी मना करते हैं, उन पर फायरिंग करवा देते हैं, उनको डरा देते हैं। तो हमने लीगल एमएसपी की का निर्णय ले लिया है, हिंदुस्तान में पहली बार लीगली गारंटीड एमएसपी होगी और हम उनका, किसानों का कर्जा माफ करने जा रहे हैं। यही मेन मुद्दे हैं चुनाव में। बीजेपी का मैनिफेस्टो देखेंगे तो उसमें आपका, उनको, उसका जो फाउंडेशन है, 2 चीजें हैं। एक कि वो शायद 10-15 साल बाद ओलंपिक गेम्स इंडिया लाएंगे और दूसरा एक या दो व्यक्तियों को वो चांद पे पहुंचा देंगे। तो ये बेसिकली चुनाव चल रहा है। शुक्रिया।